जिनका स्ट्रक्चर्स में काफी इंटरेस्ट रहता है, स्ट्रक्चर्स में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, और उनको लगता है कि यार स्ट्रक्चर्स के इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो आज मैं टॉपिक्स बता रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हो तो ये 100% श्योर है इंटरव्यू इसी के आसपास से होगा। हो सकता है पूरा ना हो, ठीक है, लेकिन ये जानिए कि 100% है कि टॉपिक्स यही होंगे, क्वेश्चंस बदल सकते हैं। ठीक है, क्या टॉपिक्स हो सकते हैं स्ट्रक्चर्स के किसी भी इंटरव्यू के लिए? सिस्मिक एनालिसिस का बहुत अच्छे से आपको अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हर एक बिल्डिंग्स में सिस्मिक एनालिसिस कंपलसरी है। तो सिस्मिक एनालिसिस कैसे करते हैं, मैनुअली कैसे करते हैं, स्टैटोपिक कैसे करते हैं, ईटीएफ पे, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा जो बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज डेड लोड। डेड लोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो डेड लोड चाहे आपका स्लैब का हो, चाहे ब्रिक का हो, किसी का भी स्लैब लोड हो, सॉरी डेड लोड हो, आपको डेड लोड कैलकुलेट करना आना चाहिए एज पर ISA 825 Part 1। इसके साथ ही साथ आपको लाइव लोड कैलकुलेट करना आना चाहिए। क्या लाइव लोड कैलकुलेट करना आना चाहिए, बिल्डिंग के ऊपर कितना लाइव लोड आ रहा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 825 Part 2 का अच्छा नॉलेज हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहता है। तीसरा, आपको स्ट्रक्चर्स के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप डक्टाइल डिटेलिंग्स का खास ध्यान दें। डक्टाइल डिटेलिंग से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज डक्टाइल डिटेलिंग एंड हाउ कैन वी डू डक्टाइल डिटेलिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डक्टाइल डिटेलिंग, इसके बारे में खूब अच्छे से पढ़ते जाइए। उसके बाद आपको शेयर वॉल की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है बिल्डिंग्स में, क्योंकि जो भी हाई रेंज बिल्डिंग होगी उसी के लिए आपको हायर कर रहे हैं, तो हाई रेंज बिल्डिंग में देर आर वेरी बिग चांसेस कि वहां पर शेयर वॉल जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो शेयर वॉल का टाइप्स क्या होते हैं, शेयर वॉल कितने थिकनेस का प्रोवाइड करना चाहिए, व्हाट इज शेयर वॉल, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ शेयर वॉल, शेयर वॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके रिगार्डिंग। उसके अलावा नो डाउट हर एक बीम का आपको शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और डिफ्लेक्शन, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और डिफ्लेक्शन पता है मतलब आप उसके इनर प्रॉपर्टीज को समझ सकते हो, तो यहां से क्वेश्चन आना फिक्स होता है। ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं इनको गाइस गांठ बांध लो कि यही टॉपिक्स पे क्वेश्चन होगा पूरा का पूरा। तो आप इनको अच्छे तरीके से एक जगह पर लिख लो और लिख के इन टॉपिक्स पे डीप स्टडी कर लो। मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं यही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा रहे, इसीलिए आपसे वही क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन हो रहा है। इसके बाद ये तो हो गया आपके नॉर्मल लेवल के इंटरव्यूज, ठीक है। थोड़े डीप लेवल का अगर इंटरव्यू होगा, थोड़ी अच्छी कंपनी होगी, तो थोड़े से आपसे डिटेलिंग से क्वेश्चन पूछेंगे कि आप बीम की डिटेलिंग कैसे करेंगे, कॉलम की डिटेलिंग कैसे करेंगे, सेक्शन कट कर देंगे, इसको ड्रॉ करके दिखाओ, फुटिंग की डिटेलिंग कैसे करेंगे, फुटिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं, कॉलम के टाइप्स कौन कौन से हैं, बीम के टाइप्स कौन कौन से हैं, सपोर्ट के टाइप्स कौन कौन से हैं, स्लैब के टाइप्स कौन कौन से हैं, ये टाइप्स बहुत पूछते हैं। टाइप्स बाद आता है डिफरेंस, 1B स्लैब 2B स्लैब का डिफरेंस, उसके बाद फ्लैट स्लैब है तो फ्लैट स्लैब के 4 टाइप्स हैं और उन चारों टाइप फ्लैट स्लैब ड्रॉप एंड कॉलम हेड इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में आपको डिफरेंस काफी ज्यादा पूछते हैं। लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम इफेक्ट्स जो है उसके बारे में आपसे काफी डिफरेंस बारे में पूछते हैं। उसके बाद आपसे पूछते हैं कि आप लैपिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या थोड़ा सा डीप लेवल पे जा रहे हैं, लैपिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं, लैपिंग प्रोवाइड करने के बेनिफिट्स क्या है, डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या है, उसके बाद डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ क्यों प्रोवाइड करते हैं, कितना प्रोवाइड करते हैं, क्रैंक बार क्या होता है, क्रैंक बार कितना प्रोवाइड करना चाहिए, उसका एंगल क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपसे पूछते हैं। मेसिंग्स क्यों प्रोवाइड करते हैं स्लैब के कॉर्नर कॉर्नर पर, मेसिंग्स से बेनिफिट क्या होता है, टॉर्जन क्या होता है, टॉर्जन क्यों कंसीडर करते हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर, 1B शियर क्या होता है, 2B शियर क्या होता है, लिस्ट लंबी है इसलिए मैं जल्दी जल्दी से आपको बता रहा हूं, क्योंकि आज के टाइम में पेशेंस बहुत कम होता है। तो आप वीडियो को चाहे स्लो कर लीजिए, चाहे पॉज कर करके इन टॉपिक्स के नाम लिख लो गाइस। अगर इन टॉपिक्स के नाम लिख लिए तो आप समझ, क्योंकि ये गुरुकुल के सारे टॉपिक्स हैं, गुरुकुल की जो 4 महीने की इंटर्नशिप कराता हूं उसमें यही सब टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। उसके बाद ISA 825 के पांचों पार्ट्स का आपका अच्छा ध्यान होना चाहिए। उसके बाद Part 1 में जो डेड लोड है, Part 2 लाइव लोड है, Part 3 विंड लोड है, Part 4 स्नो लोड है, Part 5 लोड कॉम्बिनेशन है। उसके बाद IS 1893 का आपका अच्छा नॉलेज होना चाहिए पांचों पार्ट का। उसके बाद आपको IS 13920 डक्टाइल डिटेलिंग का जो कोड है उसके बारे में पता होना चाहिए, IS 456 के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही साथ न्यू अमेंडमेंट क्या इसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे रिसेंटली और Zone 6 बताया गया तो Zone 6 के क्या क्या अमेंडमेंट है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या रिसेंट अगर आप एक्टिव रहेंगे तो स्ट्रक्चर्स के इंटरव्यू में जवाब जाते हैं, उनको लगता है हाँ यार ये पढ़ रहे हैं, इनको इन चीजों का बहुत अच्छा नॉलेज, मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक बता दिए। इन टॉपिक्स को तैयार करने में आपको लगभग 15 से 20 दिन तो मिनिमम लगने वाला है, क्योंकि इनके डेप्थ में जाना पड़ेगा। इसके बाद स्टैटको के रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि स्टैटको में एनालिसिस के बढ़ते किस तरीके सपोर्ट स्टैटको में लगा सकते हैं, अगर कोई डेंसिटी नॉट प्रोवाइडेड
वार्निंग्स आ गए तो कैसे सॉल्व करेंगे, वन और मोर लाइंस आर टू लॉन्ग इसके वार्निंग्स आ गए तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर्स में उसके सेंटर लाइन कैसे क्रिएट करेंगे, सेंटर लाइन को किस फॉर्मेट में इंपोर्ट करेंगे स्टैट प्रो में, स्टैट प्रो को इंपोर्ट करने के बाद रिपोर्ट को कैसे देख के उसके अकॉर्डिंग कैसे डिटेलिंग्स करेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर उस कंपनी में ईटीएफ्स की रिक्वायरमेंट है तो ईटीएफ्स में आपसे मास सोर्स पूछा जा सकता है, लोड पैटर्न पूछा जाता है, लोड पैटर्न कैसे डिपेंड करेगी, मास सोर्स क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, देखो फिक्स क्वेश्चन है ये सब, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद लोड कैसे प्रोवाइड करेंगे, ड्रॉ कैसे करेंगे मेंबर्स को, ठीक है, कंपोजिट बीम क्या होता है, कंपोजिट कॉलम क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर ईटीएफ्स है मतलब वो हाई रेंज बिल्डिंग का डिजाइन कर रहे हैं और हाई रेंज बिल्डिंग का डिजाइन का इंटरव्यू है तो पक्का है फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस क्या होती है, सेकंड ऑर्डर एनालिसिस क्या होती है, आप बोलेंगे लीनियर एनालिसिस क्या होती है, नॉन लीनियर एनालिसिस क्या होती है, पुश ओवर एनालिसिस क्या होता है, पी डेल्टा इफेक्ट्स क्या होता है, रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस क्या होती है, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस क्या होती है, ऐसे एक एक करके अगर आपने सही तरीके से 15 से 20 दिन फोकस कर दिया, बिलीव करो ये जितने मैंने टॉपिक्स बता दिए ना दैट इज सफिशियंट, क्योंकि हमने पूरा एकदम आपको जो नीम का रस निकाल के आपको दे दिया है, बस इन रस में से जो जो चीजें बताई इन्हीं चीजों पर टाइम दे दो, आराम से आपका कोई भी इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। आपने बोला सर ये सब जितना आपने बोला सब मुझे आता है, तब नेक्स्ट लेवल पे चलो। नेक्स्ट लेवल क्या होता है, ऐसे इंटरव्यू जहां पर आपसे रिटेन करवाएंगे, वहां पर आपसे कोई भी एक बीम, कोई भी एक कॉलम, कोई भी एक स्लैब, कोई भी एक स्टेयरकेस, कोई भी एक फुटिंग, फुटिंग वैसे तो सारे आपको करना पड़ेगा, आइसोलेटेड पाइल कंबाइन और राफ्ट, इनके आप मैनुअल्स, उसके साथ एक बीम का मैनुअल, एक वन बेस या टू बेस लेयर का मैनुअल, उसके साथ ही साथ आपको सिंगली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स बीम, उसके बाद कॉलम, कॉलम में एक्सेल का कर लो, एक बाई एक्सेल का कर लो, इस तरीके से अगर आप मैनुअल एक्सेस मैनुअल्स को भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो दैट यू विल गेट द एक्स्ट्रा एडवांटेज। हर एक कंपनी में करवाएंगे, कुछ कंपनियों में करवाने का चांसेस रहता है। तो इतना टॉपिक्स अगर आपने तैयार कर लिया तो इट्स माई कमिटमेंट यू कैन से आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे आप फोड़ के आएंगे, ठीक है। अब इसके बारे में आप मैं सेस्मी के बारे में रीड्स कर नहीं कर रहा हूँ, अगर आप चाहेंगे कि सेस्मी के बारे में सर डिस्कस करिए कि बेसिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, एएच इनटू डब्ल्यू तो एएच कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया। अब ये आपकी गारंटी है कि एएच कैलकुलेट करने के लिए जेड आई बाई टू आर इनटू एसए बाई जी करेंगे, तो ये जेड क्या है, जोन है, ठीक है, जोन के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, वो इनर साइड से लेके हमने आपको टॉपिक्स के नाम डिस्कस किया, आई क्या है, आई के कितने फैक्टर्स है, इंपॉर्टेंट फैक्टर जनरल बिल्डिंग है कि कॉमर्शियल बिल्डिंग है या फिर ऐसी बिल्डिंग है जिसमें 200 से ज्यादा लोग आ रहे हैं उसका फैक्टर कितना होगा, तो इस तरीके से अगर आप उसके अंदर जाएंगे तो रिस्पॉन्स फैक्टर एनालिसिस, आर जो है आर की क्या वैल्यू है, ये आर कैसे डिसाइड होता है, इसके अंदर आप जाओ कूदते लगाओ मजे करो, इसके बहुत स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब सिस्मी के बारे में, सिस्मी के अलग अलग वेव्स हैं, ठीक है, मैंने सिर्फ आपको बताया सिस्मी एनालिसिस। अब आपका मन में जितना करता है जितना आप लेवल है कि आप चाहिए सिस्मी के जो वेव्स है, वेव्स के चार टाइप्स है, कौन कौन से है, पी वेव है, एस वेव है, पी वेव क्या है, क्या बोलते हैं प्राइमरी वेव है, एस वेव क्या है, सेकेंडरी वेव है, लव वेव है, रेलिज वेव है, तो ये वेव क्या होते हैं, मतलब सरफेस वेव में कौन कौन से वेव्स आती है, इनके बारे में आप जाके डिस्कस और डीपर लेवल पर जा सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने जस्ट आपको बताया कि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर वॉल के अलग अलग टाइप्स है, उन टाइप्स में कौन सा टाइप्स कहाँ यूज करते हैं, रिजिड फ्रेम शेयर वॉल कहाँ यूज करेंगे, उसके बाद कोर टाइप शेयर वॉल कहाँ यूज करेंगे, रेक्टेंगुलर टाइप शेयर वॉल कहाँ यूज करेंगे, सिटी इन्फिल्ट्रेट कहाँ यूज करेंगे, ये हम लोग पूरे के पूरे गुरुकुल में 4 महीने की जर्नी होती है और उस जर्नी में हम लोग आपको पढ़ाते हैं। अगर आप चाहें तो आप उसमें पढ़ भी सकते हैं, फिलहाल अभी के लिए सीट्स फुल है तो अभी तो नहीं, न्यू बैच जब भी चलेगी चांसेस है कि जुलाई में चल सकती है, तो न्यू बैच जब भी चलेगी आपका मन करे तो उसमें पढ़ सकते हैं, या फिर आज के टाइम में यूट्यूब भी बहुत अच्छा एक सोर्स है, आप टॉपिक्स के नाम लिखिए और यूट्यूब से एक एक टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए, आप 100% प्रिपेयर हो जाएंगे, ये फिक्स है, बस मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी से करना पड़ेगा। कुछ लोग तो यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं बहुत बड़े आप फोकस्ड स्टूडेंट्स हैं, आप डेफिनेटली आपका करियर तो ब्राइट है, बाकी लोग एक दो मिनट में थक गए होंगे, अरे यार बहुत टॉपिक्स हो रहा है नहीं समझ में आएगा, इस तरीके से हाल हो जाता है। अगर आप यहाँ तक वीडियोस को देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएं आपको कैसे लगे ये टॉपिक्स, आपसे क्या इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, अपनी राय जरूर देना। अगर आपने कोई भी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लिया है तो मैं अभी ऑटोकैड के अंदर नहीं गया, स्टैट प्रो के कमांड्स के अंदर नहीं गया, ईटीएफ्स के कमांड्स के अंदर नहीं गया, आप चाहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ऑटोकैड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्टैट प्रो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईटीएफ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सेफ के मेनू क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पूछेंगे तो हम इन पे भी क्वेश्चन वीडियो बना देंगे। अभी मैं काफी एक्टिव हो गया हूँ तो आप लोग बस साथ दीजिए, साथ कैसे देना है इस वीडियो को 2-4-10 लोगों तक या 2-4 10 व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको फैला दीजिए, सो देट हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ यार आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हम ढेर सारे वीडियोस आपके लिए स्ट्रक्चर्स के, बीम के, पीवी के, प्रीकास्ट के बनाते रहे और आप भी उन
सभी ज्ञान का लाभ उठाते रहे। आप चाहते हैं कि अगर सेस्मिक एनालिसिस को सर एक्सप्लेन कर दीजिए, विंड को एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर आप चाहते हैं कि सीरोल को एक्सप्लेन कर दीजिए, जस्ट गिव मी द कमेंट हियर एंड डेफिनेटली आई विल डू दैट फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।